नमस्कार। आज इस वीडियो में बीएड सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीएड सेकंड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका कोड है BD202 जिसका शीर्षक है अधिगम के लिए आकलन का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न है आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, किसने कहा है? यह कथन किसका है? यह कथन है हुआ एवं फ्रीड का। इस मॉडल पेपर में वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। ये अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। आकलन लोगों से सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया है। यह पूछताछ प्रक्रिया का पहला पद है। यह प्रश्न पोषण के लिए उपयोग किया जाता है। उपयुक्त सभी का सही आंसर है उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? आपको बताना है कि आकलन की विशेषता नहीं है ये वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये तीनों आकलन की विशेषता हैं, लेकिन जो कठिनाई है यह आकलन की विशेषता नहीं है। आकलन का पहलू जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है विश्वसनीय। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? प्रशासन, अंकन, प्रशिक्षण की लंबाई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है परीक्षण की लंबाई। देखिए अगला प्रश्न, आकलन का क्षेत्र क्या है? शैक्षिक उपलब्धियों की पहचान करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना। इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। वर्ष के अंत का आकलन कहलाता है। जो आकलन वर्ष के अंत में होता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है युगात्मक आकलन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं औपचारिक आकलन। निम्नलिखित में से आकलन का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कमजोरियों को पहचानना। मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। जो मापन का जो सबसे निम्न स्तर है वो कौन सा होता है? वो होता है नामित। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि मापन का सबसे उच्च स्तर कौन सा होता है? वो होता है अनुपात स्तर, और जो सबसे निम्न स्तर होता है वो होता है नामित स्तर। अगला प्रश्न, किस प्रकार के मापन स्तर में सत्य बिंदु स्तर विद्यमान रहता है? तो इसका सही आंसर है अनुपात स्तर। मापन के अंतराल मापनी का उदाहरण है। इसका सही आंसर है वर्ष, महीना, ये तथा बी दोनों। इसका सही आंसर है ये तथा बी दोनों। ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध है। जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसका संबंध किससे होता है? तो इसका सही आंसर है ज्ञान से। मापन है, मापन कैसा होता है? मापन गुणात्मक, मात्रात्मक। इसका सही आंसर है ए तथा बी दोनों। जो मापन है वह गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण बुद्धि के आकलन से संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर है प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। इसका सही आंसर है मापन, आकलन, मूल्यांकन। सबसे पहले मापन होता है, फिर आकलन होता है, फिर मूल्यांकन होता है। किसने कहा मनोवैज्ञानिक परीक्षण दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने की व्यवस्थित विधि है? यह कथन किसका है? यह कथन है क्रोन ब्रेक महोदय का। व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है BS ब्लूम। मूल्यांकन का क्षेत्र है। जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है? तो इसका सही आंसर है व्यापक। जो मापन है, मापन का क्षेत्र कैसा होता है? मापन का क्षेत्र सीमित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का कार्य नहीं है? आपको बताना है कि मूल्यांकन का कार्य क्या नहीं है। छात्रों की एकता का निर्माण करना मूल्यांकन का कार्य नहीं होता है। बाल अंतर्बोध परीक्षण तकनीक है। जो बाल अंतर्बोध परीक्षण है वह किसकी तकनीक है? इसका सही आंसर है रचना तकनीक। इस तकनीक का प्रयोग अचेतन पक्ष को मापने के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है प्रक्षेपीय तकनीक।
मानव व्यवहार के मापन में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जो मानव का व्यवहार है, मानव व्यवहार के मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है परीक्षण। सृजनात्मक बालक सामान्यतः होता है, जो सृजनात्मक बालक हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं? नवाचारित। व्यवहारिक उद्देश्य के लिए भावात्मक पक्ष का विकास किया गया, आपको बताना है कि व्यवहारिक उद्देश्य के लिए भावात्मक पक्ष का विकास किसने किया? इसका सही आंसर है सिम्पसन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण के पद का उदाहरण है? इसका सही आंसर है रिक्त स्थानों की पूर्ति, बहुविकल्पीय प्रकार के पद, सी, ई और बी दोनों इसका सही आंसर है। एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर आवश्यक है? शैक्षिक उद्देश्यों, प्रश्नों के प्रकार, ई और बी दोनों इसका सही आंसर है, ई और बी दोनों। वस्तुनिष्ठता परीक्षण के उपकरण की है, तकनीकी कसौटियां, व्यवहारिक कसौटियां इसका सही आंसर है, ई और बी दोनों। वैकल्पिक प्रतिक्रिया प्रश्न के पद कौन से हैं? सत्य असत्य, सही गलत, ई और बी दोनों इसका सही आंसर है, ई और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं कैसी होती हैं? वैध, विश्वसनीय इसका सही आंसर है, ई और बी दोनों। निष्पक्ष मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्नों से किया जा सकता है? जो निष्पक्ष मूल्यांकन है वह किस प्रकार के प्रश्नों से किया जा सकता है? इसका सही आंसर है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से। बुद्धि सामवर्धिक अनुपातिक चिंतन है किसने परिभाषित किया? आपको बताना है कि यह कथन किसका है? बुद्धि अनुपातिक चिंतन है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर है स्पीयरमैन। निम्नलिखित में से प्रशंसा संबंधी है, प्रशंसा संबंधी कौन सा पक्ष है? तो इसका सही आंसर है भावात्मक पक्ष। प्रश्न का पद विश्लेषण किया जाता है, इस प्रश्न का सही आंसर है उच्च परीक्षण पदों के चयन हेतु। थर्स्टन ने कितने प्रकार की मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया है? थर्स्टन महोदय ने 7 प्रकार की मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया है, तो इसका सही आंसर है 7। मनोवैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर है मानव व्यवहार का अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मापन मात्रात्मक है, ये बात सही है। क्रमिक मापनी मापन स्तर का सबसे निम्न स्तर है, यही कथन क्या है? ये गलत है। जो मापनी का जो सबसे निम्न स्तर का स्तर होता है वो क्या होता है? वो होता है नामित। तो सही आंसर है बी, क्रमिक मापनी मापन स्तर का सबसे नीचा स्तर है, यह कथन गलत है। जो सबसे निम्न स्तर होता है वो क्या होता है? वो नामित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बोध का कार्य सूचक क्रिया नहीं है? इसका सही आंसर है प्रत्यास्मरण। हरमन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि है, इसका सही आंसर है 140 से ऊपर। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का आविष्कारक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है भाटिया। जलोटा टंडन बुद्धि परीक्षण किस विश्वविद्यालय ने बनाया? जलोटा टंडन बुद्धि परीक्षण है, इसका विकास किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। कौन सा थर्स्टन का PMA नहीं है? PMA का मतलब है प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। थर्स्टन ने 7 प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताएँ बताई हैं, आपको बताना कि उनमें से क्या नहीं है। इसका सही आंसर है संवेग। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि जो प्रश्न ने 7 मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी बताई हैं। बहुबुद्धि का प्रत्यय किसने दिया? बहुबुद्धि का प्रत्यय दिया था गार्डनर महोदय ने। किसने दिया था? गार्डनर महोदय ने। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, ये किसने कहा है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसका सही आंसर है आलपोर्ट महोदय ने कहा है व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। वाक्य पूर्ति विधि व्यक्तित्व मापन की विधि है, सही आंसर है प्रक्षेपीय विधियां। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? इसका सही आंसर है स्थिति परीक्षण। किसने परिभाषित किया
सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? ये कथन है क्रो और क्रो महोदय का। इसने कहा सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद होती है। ये कथन भी कई बार पूछा गया है, इसका सही आंसर है ड्रेवर। सृजनात्मकता का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक है? कल्पना एवं विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन, जिज्ञासा एवं प्रेरणा, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। सृजनात्मकता शब्द लैटिन भाषा के शब्द से आया है। आपको बताना है कि जो सृजनात्मकता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। इसका सही आंसर है क्रिएर। प्रत्येक बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक नहीं होते हैं, लेकिन रचनात्मक बच्चे सदैव होते हैं। इसका सही आंसर है बुद्धिमान रचनात्मक। तो इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य सृजनात्मकता पर गिलफोर्ड द्वारा तैयार किया गया था? इसका सही आंसर है उत्पाद सुधार कार्य, चित्र पूर्णता परीक्षण, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है उपलब्धि परीक्षण। गुणवत्ता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? जो उपलब्धि परीक्षण की जो गुणवत्ता है वह किस पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर है शिक्षण उद्देश्यों पर। उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। इसका सही आंसर है शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। शिक्षार्थी की शैक्षिक उपलब्धि में सम्मिलित है ज्ञान एवं समझ, कौशल एवं सीखने का दृष्टिकोण, ए तथा बी दोनों। इसका सही आंसर है ए तथा बी दोनों। उपलब्धि परीक्षण का एक अच्छा उदाहरण है विदेशी भाषा में बातचीत, गणितीय समस्याओं का हल, ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण की कमी नहीं है? परीक्षा में विद्यालय उपलब्धि का नियत माप नहीं हो सकता है, पाठ्यक्रम की शिक्षण पूर्णता के मानक जैसे कारकों को मापा नहीं जा सकता, पाठ्य वस्तु एवं शिक्षण विधियों की महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अच्छा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पाठ्य वस्तु एवं शिक्षण विधियों की महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अच्छा है। मानकीकृत परीक्षण की मुख्य विशेषता होती है वे इससे स्वतंत्र हैं। इसका सही आंसर है व्यक्तिगत त्रुटि से। विचारात्मक प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? आपको बताना है कि जो विचारात्मक प्रश्न है वो किस प्रकार के होते हैं। इसका सही आंसर है अनेक सही उत्तर वाले प्रश्न। उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है, जो उपलब्धि परीक्षण होते हैं उनका उद्देश्य क्या नहीं है? इसका सही आंसर है ग्रेड शिक्षार्थी कमजोर एवं औसत जैसा है। एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता होती है? उपयोगिता, विश्वसनीयता, वैधता, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। एक अध्यापक किस प्रकार का विचारात्मक प्रश्न पूछता है? इस प्रश्न का सही आंसर है एकल सही उत्तर प्रश्न। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग होता है विषय वस्तु में सुधार, विभिन्न क्षेत्रों का चयन, शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। मानकीकृत परीक्षण संबंधित हैं ज्ञान का विस्तार, ज्ञान का व्यापक क्षेत्र, उपलब्धि परीक्षण, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य है परीक्षण की वास्तविकता, परीक्षण की मौलिकता, माप की स्थिरता, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। असली परीक्षण का सफल अभ्यास है अध्यापक उपलब्धि, सीखने की उपलब्धि, ये तथा वे दोनों। इसका सही आंसर है सीखने की उपलब्धि। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? अनुवांशिक, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करने वाला कारक है? आयु प्रसार, समूह प्रसार, फलांक प्रसार, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। सीखने के आकलन के विचार का उपयोग करता है इस प्रश्न का सही आंसर है रचनात्मक आकलन।
स्कूल में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है? इस प्रश्न का सही आंसर है छात्रों के व्यक्तित्व में समायोजन की सेवा पाने के लिए छात्रों को दुनिया के रिवीजन कार्य से परिचित कराना। इसका सही आंसर है सी, ई तथा बी दोनों। थर्मामीटर उदाहरण है, आपको बताना है कि जो थर्मामीटर है वो किस प्रकार के मापन का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है अंतराल मापनी का। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। इसका सही आंसर है NCERT ने कहा है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संरचनात्मक मूल्यांकन है, जो संरचनात्मक मूल्यांकन है क्या है? छात्रों की शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। यह किसने कहा कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है? ये कथन किसका है? ये कथन है बाउले महोदय का। सांख्यिकी का जन्मदाता है, सांख्यिकी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है गॉटफ्राइड। ये आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं, संरचनात्मक असंरचनात्मक ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आप आंसर कमेंट करके बताएं। यह वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।